Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of microbiology, I'm going to deliver my short talk on Corynebacterium diphtheriae. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज माइक्रोबायोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में डिप्थीरिया रोग को उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। काफी दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोज आप शेयर करें। अब ये चूंकि डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इस तरह का एक चैप्टर जो है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में भी है, और इसमें ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में भी कॉकस टाइप के और बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया, इसी तरह ग्राम नेगेटिव में भी कॉकस टाइप और बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज फैलती है, जो कॉमन डिजीज, मोस्ट कॉमन डिजीज जो ह्यूमन्स के अंदर पाई जाती है, इन्हीं पे फोकस करते हुए ये एक सीरीज, एक स्पेशल सीरीज डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और इसी श्रृंखला में आज का अपना पहला जो व्याख्यान रहेगा ये Corynebacterium diphtheriae पे फोकस रहेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक Corynebacterium diphtheriae। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव एंड नॉन मोटाइल। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव प्रकार के होते हैं और एचलाइमान होते हैं, यानी इनके सरफेस के ऊपर कोई फ्लेजला वगैरह इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती है, जिसके कारण इसमें मोमेंट नहीं होती है। बोथ एंड्स आर क्लब शेप, इन जीवाणुओं के जो दोनों टर्मिनल एंड है वो मुगदर के समान होते हैं। इट कॉजेज डिप्थीरिया, इन जीवाणुओं के द्वारा डिप्थीरिया रोग है वो उत्पन्न किया जाता है। अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले ब्रिटोनो नामक वैज्ञानिक थे, ब्रिटोनो 1826, इन्होंने एक शब्द प्रतिपादित किया, ये शब्द था डिप्थीराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1826 ब्रिटोनो कॉइंड द टर्म डिप्थीराइट। इसके पश्चात एडविन क्लैब्स 1884, इन्होंने डिप्थीरिया को ऑब्जर्व इन एनिमल टिश्यूज, प्राणियों के उत्तकों में इस बैक्टीरिया को इन्होंने प्रेक्षित किया। इसके पश्चात लॉफलर इन 1884 आइसोलेटेड स्कल्चर। इसके पश्चात 1884 में लॉफलर ने संवर्धन माध्यम में इसको पृथक किया, आइसोलेट किया। बेहरिंग इन 1890 सिंथेसाइज द एंटीटॉक्सिन फॉर दीज बैक्टीरिया। बेहरिंग ने 1890 में इन बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने वाले, उदासीन करने वाले एंटीटॉक्सिन्स का संश्लेषण किया। सो ये इसका सिंपल इंट्रोडक्शन और इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब चलते हैं इस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पे, आकारिकी पे, यानी ये बैक्टीरिया दिखने में कैसा है, इसकी शेप और साइज कैसी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। सो दीज बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो बैक्टीरिया है ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, यानी कॉस्मोपॉलिटन है। फाउंड इन अदर एनिमल्स अलोंग विथ ह्यूमंस, मनुष्य के साथ साथ ये अन्य जानवरों में भी उपस्थित होते हैं, उनमें भी ये डिप्थीरिया रोग को पैदा करते हैं। दे आर रॉड शेप, ये छड़ की आकृति के होते हैं। बोथ हैंड सर्कलब सेप, इनके दोनों सिरे मुगदर के समान होते हैं। दे आर पॉलीमॉर्फिक, यह बहु आकारिकीय होते हैं, बहु रूपीय होते हैं, यानी इनकी आकार और आकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। दे डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ स्पोर प्रोडक्शन, इनमें बीजाणुओं को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। देयर नॉर्मल साइज इज फ्रॉम 3.6 माइक्रोन टू 0.8 माइक्रोन।
और इनका जो सामान्य आकार जो है ये 3.6 से 0.8 माइक्रोन तक होता है। इट्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, इनके कोशिका द्रव्य में मेटाक्रोमेटिक कणिकाएं पाई जाती है। सेप्टा आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, दो कोशिकाओं के बीच में पट पाए जाते हैं, सेप्टम्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग डिवीजन एंड ब्रांचिंग चाइनीज लैंग्वेज पैटर्न अपीयर्स, जब इन बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन होता है या इनके अंदर शाखाएं जब बनती है तो इनकी कॉलोनी देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई चाइनीज भाषा में कोई लैंग्वेज लिखी हो। इन ग्रुप दे रिजेंबल्स वी और एल शेप, और समूहों के रूप में ये वी अथवा एल आकृति के दिखाई देते हैं। अब ये इस फिगर में आप देख रहे हो ये बैक्टीरिया ही है, और लेकिन इनको दूर से देखने तो ऐसा लगता है जैसे कोई चाइनीज भाषा के कोई अक्षर लिखे गए हो। नेक्स्ट इज कल्चर प्रॉपर्टीज। इन नॉर्मल कल्चर ग्रोथ इज वेरी पुअर, सामान्य संवर्धन में इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही पुअर होती है। इन ब्लड सीरम एंड एग मीडियम दे अटेन गुड ग्रोथ, लेकिन ब्लड के सीरम में और एग की जेली में इनमें अच्छी वृद्धि देखी जाती है। दे शो मैक्सिमम ग्रोथ एट 15 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें सर्वाधिक जो ग्रोथ है वो 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में देखी जाती है, एंड एट पीएच वैल्यू ऑफ 7.2, और कल्चर मीडियम का जो पीएच का जो मान है ये 7.2 के आसपास होना चाहिए। दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एन एरोबिक, ये बैक्टीरिया वायवीय प्रकार के भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव एन एरोबिक भी हो सकते हैं, यानी आवश्यकता पड़ने पर बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इन कल्चर दे फॉर्म कॉलोनी आफ्टर 6 to 8 आवर्स, और संवर्धन माध्यम में 6 से 8 घंटे के पश्चात ये कॉलोनी का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। इनिशियली कॉलोनी इज स्मॉल, प्रारंभ में इनकी कॉलोनी है वो छोटी होती है, सर्कुलर वर्ताकार होती है, व्हाइट सफेद रंग की होती है, एंड डिस्क शेप और चकती के आकार की होती है, विच लेटर ऑन बिकम्स येलोविश, जो थोड़े समय के बाद में पीले रंग में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी मैक्लियोट क्लासिफाइड डिप्थीरिया इंटू 3 ग्रुप्स, मॉर्फोलॉजी के आधार पर मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक ने डिप्थीरिया को 3 समूहों में क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। फर्स्ट फॉर्म इज ग्रेविस, सेकेंड फॉर्म इज इंटरमीडिएट, एंड थर्ड फॉर्म इज माइटिश। अब इन तीनों ही आप ये पेटिडिस की स्लाइड के जैसे फिगर है, ये जैसे माइटिस का प्रतिरूप है, ये ग्रेविस प्रतिरूप है, ये इंटरमीडिएट प्रतिरूप है। इन तीनों प्रतिरूप में एक कंपेरेटिव अकाउंट है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो इन कंपेरेटिव अकाउंट ग्रेविस इंटरमीडिएट और मीटिस, इनकी मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंस है तीनों के अंदर, तीनों प्रतिरूप में, ग्रेविस फॉर्म जो है ये छोटे होते हैं, छड़ की आकृति के होते हैं, स्मॉल एंड रॉड शेप। सम आर प्लियोमॉर्फिक, कुछ प्रतिरूप प्लियोमॉर्फिक प्रकार के होते हैं, एंड सम टाइम इरेगुलर शेप, और कई बार ये अनियमित आकृति के भी होते हैं। इंटरमीडिएट प्रतिरूप जो होते हैं ये लंबे बैरल के समान होते हैं, लॉन्ग एंड बैरल शेप, एंड बोथ एंड्स आर क्लब शेप, इनके दोनों सिरे मुगदर के जैसे होते हैं, जबकि माइटिस प्रतिरूप में ये लंबे होते हैं और थोड़े वक्रित होते हैं, कर्व लिए हुए, रोड शेप छड़ की आकृति के, एंड प्लियोमॉर्फिक। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है इन तीनों प्रतिरूप में। सेकेंड डिफरेंस इसमें कॉलोनी ऑन टेलवेट ब्लड अगार, ब्लड अगार कल्चर में इनकी कॉलोनी दिखने में कैसी है, उनका ये कंपेरिजन है। तो ग्रेविस प्रतिरूप में कॉलोनी का जो डायमीटर है 1 से 2 mm होता है। सेंट्रल पार्ट इज ब्लैकिश, इसका केंद्रीय भाग काला होता है, एंड पेरिफेरल पार्ट इज सेमी ट्रांसपेरेंट, और इसका परिधि वाला जो भाग है ये अर्ध पारदर्शी होता है। आफ्टर 2 to 3 days कॉलोनी साइज बिकम्स 3 to 5 mm, 2 से 3 दिन के पश्चात
कॉलोनी का आकार 3 से 5 मिलीमीटर हो जाता है, कॉलोनी बिकम्स फ्लैट, कॉलोनी चपटी हो जाती है विथ रेडिएटिंग लाइन्स इन पेरिफेरी। इस कॉलोनी के परिधि में अरीय रूप से सूक्ष्म रेखाओं के समान रेडिएटिंग लाइन्स के रूप में रचनाएं हैं जो विकसित हो जाती है। इंटरमीडिएट प्रतिरूप जो होता है इनकी कॉलोनी का आकार 1 mm होता है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज ग्रेन्युलर, इसके कॉलोनी का केंद्रीय भाग थोड़ा कणिका जैसा होता है, ग्रेन्युलर होता है। एंड ए पेरिफेरी इज स्मूथ, और परिधि वाला जो भाग है वो चिकना होता है, स्मूथ होता है। जबकि माइटिस में कॉलोनी शेप इज वेरिएबल, माइटिस प्रतिरूप में कॉलोनी की जो आकृति है ये परिवर्तनशील है या भिन्नित प्रकार की है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज समव्हाट एलिवेटेड, इनकी कॉलोनी का जो केंद्रीय भाग है ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, प्रोट्रूडेड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज कंसिस्टेंसी ऑफ कॉलोनीज। तो ग्रेविस प्रतिरूप जो होता है इनमें इन कल्चर मीडियम मोमेंट इन वॉल कॉलोनी, और संवर्धन माध्यम में इंटायर कॉलोनी के अंदर मोमेंट देखी जा सकती है। कांट कैप्चर इजीली, इनको आसानी से आप कैप्चर नहीं कर सकते। एंड इमल्सिफिकेशन इज नॉट इजी, और इनका जो पाइसीकरण जो होता है, इमल्सिफिकेशन है, ये भी संभव नहीं है। इंटरमीडिएट प्रतिरूप जो होते हैं इनकी कॉलोनी मध्यम आकार की होती है, इंटरमीडिएट इन साइज। जबकि माइटिस प्रतिरूप जो होता है ये सॉफ्ट है और मक्खन के समान होता है। एंड इट इज इजीली इमल्सिफाइड, और इसको आसानी से पाइसीकृत कर सकते हैं। इमोलाइटिक प्रॉपर्टीज में ग्रेविस जो फॉर्म है इसमें इमोलाइसिस से वेरिएबल प्रकार का होता है, इंटरमीडिएट प्रतिरूप में इमोलाइसिस नहीं होता है। और माइटिस प्रतिरूप जो होता है ये जनरली हेमोलाइटिक होता है। नेक्स्ट डिफरेंस बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑन ब्रॉथ। तो ग्रेविस प्रतिरूप जो होता है ब्रॉथ में वृद्धि कराने पर यह ग्रेन्युलर होगा और मलिन प्रकार का नहीं होता है, टर्बिड प्रकार का नहीं होता है। इंटरमीडिएट प्रतिरूप जो होता है ये 24 घंटे के अंदर मलिन हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, और 48 आवर्स के पश्चात एकदम क्लियर हो जाता है। जबकि माइटिस प्रतिरूप जो होता है ये थोड़ा डिफ्यूज प्रकार का होता है, विसित प्रकार का होता है। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च फर्मेंटेशन, तो इसमें ग्रेविस प्रतिरूप जो है इसके अंदर ग्लाइकोजन और स्टार्च का किण्वन संभव है, फर्मेंटेशन पॉसिबल है। लेकिन इंटरमीडिएट प्रतिरूप में ग्लाइकोजन और स्टार्च का फर्मेंटेशन नहीं होता है। इसी तरह माइटिस प्रतिरूप में भी ग्लाइकोजन और स्टार्च का फर्मेंटेशन नहीं होता है। तो ये इन तीनों प्रतिरूप के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन जो है ये ऐसे विषाक्त पदार्थ है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, और इन्हीं टॉक्सिन्स के कारण मनुष्यों में बीमारी के लक्षण जो होते हैं वो पैदा होते हैं। सो टॉक्सिन्स में बारे में इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, द वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेज स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन्स। इस बैक्टीरिया के जो प्रबल प्रतिरूप जो है, वायरुलेंट जो प्रभेद हैं, ये स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन्स का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं। दीज टॉक्सिन्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, ये टॉक्सिन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इट्स मॉलिकुलर वेट इज 62,000 डाल्टन, इनका अणुभार 62,000 डाल्टन तक होता है। इन टॉक्सिन टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, इसके टॉक्सिन्स में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक तो फ्रेगमेंट ए और सेकेंड है फ्रेगमेंट बी। फ्रेगमेंट ए जो पार्ट है इसका और मॉलिकुलर वेट होता है लगभग 24,000 डाल्टन, और फ्रेगमेंट बी का जो मॉलिकुलर वेट है ये होता है लगभग 38,000 डाल्टन। फॉर टॉक्सिसिटी बोथ टॉक्सिन्स मस्ट बी प्रेजेंट, विषाक्तता के लिए, बीमारी पैदा करने के लिए इन दोनों ही टॉक्सिन्स का होना आवश्यक है। एक टॉक्सिन्स यदि अनुपस्थित होगा उस केस में पैथोजेनिक करेक्टर्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे। इनिशियली दीज टॉक्सिन्स आर इनएक्टिव, प्रारंभ में ये टॉक्सिन निष्क्रिय होते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएज एंजाइम दे बिकम्स एक्टिव, लेकिन प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में
ये टॉक्सिन जो है वो सक्रिय हो जाता है. द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड आयरन रिच कंस्टिट्यूशन. तो टॉक्सिन्स के उत्पादन के लिए एक तो सहजीवी जीवाणुओं की आवश्यकता होती है और माध्यम के अंदर आयरन के आयन है, फेरिक आयन है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. दिस टॉक्सिन्स रिड्यूसेस द प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे अफेक्ट्स द नर्वस सेल. ये टॉक्सिन्स प्रोटीन संश्लेषण की दर को मंदा कर देते हैं, अवमंदित कर देते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं को यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज रेजिस्टेंस या प्रतिरोधिता. दीज बैक्टीरिया आर लिस्ट अफेक्टेड बाय लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. तो इन जीवाणुओं पर प्रकाश का, नमी का और तापमान का बहुत कम प्रभाव होता है. दे कैन बी डिस्ट्रॉयड एट 58 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट वार्मिंग. यदि इसके कल्चर को 58 डिग्री तापमान पर 10 मिनट के लिए यदि गर्म करें, उस केस में समस्त बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, समस्त बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं. इट्स कल्चर कैन बी मेंटेन्ड एट 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 3 वीक्स. इसके संवर्धन को 25 से 30 डिग्री तापमान पर 2 से 3 सप्ताह तक इसको मेंटेन कर सकते हैं. इसके बाद में रोगजनकता, पैथोजेनिसिटी. आफ्टर 3 to 4 डेज ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी द डिजीज कैरेक्टर्स अपीयर्स. तो इस कॉर्निबैक्टेरियम डिथ्रिया जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने के 3 से 4 दिन पश्चात डिप्थीरिया रोग के लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं. समटाइम दीज कैरेक्टर अपीयर आफ्टर 1 डेज ऑफ इन्फेक्शन. कई बार ये लक्षण संक्रमण के एक दिन बाद में ही प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं. द मेन अफेक्टेड ऑर्गन्स आर वोकल कॉर्ड्स. इन जीवाणुओं से प्रभावित होने वाले मुख्य जो रचनाएं हैं उसमें एक तो स्वर तंतु, गले में जो वोकल कॉर्ड्स हैं, इसके अलावा नाक, आंखें, कान, एनस और क्यूटेनियस एरिया यानी स्किन का अपर पार्ट जो होता है. वाउंड अपीयर्स इन नेक एंड हैंड. गले में और हाथ में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं. ट्रेकिया ब्लॉक्स, ट्रेकिया अवरुद्ध हो जाती है. ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब्स, रक्त की जो आपूर्ति है वो बाधित होती है. एंड टॉक्सिन डिस्ट्रॉयज द टिश्यूज. और टॉक्सिन्स के द्वारा उत्तक जो है वो नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं. इट फॉर्म्स ए स्यूडो मेम्ब्रेन एट द सरफेस ऑफ लैरिंग्स. इसके संक्रमण से कंठ की सतह पर एक मिथ्या झिल्ली जो है, स्यूडो मेम्ब्रेन है, उसका निर्माण हो जाता है. फीलिंग प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन. और व्यक्ति श्वसन क्रिया के अंदर बाधा महसूस करता है. स्लाइट फीवर, हल्का बुखार भी आता है. कफ, कफ बनता है. सफोकेशन एंड डिफिकल्टी इन ईटिंग. और भोजन को निगलने में, भोजन को चबाने में परेशानी महसूस होती है. आफ्टर 3 to 4 वीक पेशेंट रिकवर्स. और 3 से 4 सप्ताह के बाद में यदि मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं ले तो 3 से 4 सप्ताह के बीच में पेशेंट अपने आप ही ठीक होने लग जाता है. दिस इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन चाइल्ड्स. और यह संक्रमण छोटे बच्चों में अधिक देखा गया है. इस फिगर में आप देख रहे हो, इसमें माउथ पार्ट के अंदर ये टॉन्सिल वाला जो पार्ट है, यूवुला, इसमें जो स्वेलिंग आ रही है, पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेडिश कलर की हो रही है. और ये जैसे स्किन का पार्ट है, इसमें देख लो स्किन के अंदर कितना खतरनाक इसके अंदर घाव हो गया. और ये घाव फिर पूरी स्किन के अंदर ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है. ट्रांसमिशन. अब क्वेश्चन है कि ये बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित होते हैं, ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिसके द्वारा इनका संक्रमण हो सकता है. तो इसके अंदर मेन जो एस्पेक्ट है इसमें, एक तो बाई यूटेंसिल्स. तो खाने पीने की जो बर्तन है इनकी साफ सफाई यदि अच्छी तरह से नहीं हो तो इन जीवाणुओं का फैलाव हो सकता है. टॉयज, खिलौनों के द्वारा. छोटे बच्चे जो होते हैं वो देखा होगा प्लास्टिक के खिलौने जो होते हैं उनको मुंह में लेके उनको चूसते रहते हैं. ये खिलौने मिट्टी में गिर जाते हैं, गंदे पानी में गिर जाते हैं और उनको यदि प्रॉपर साफ नहीं किया जाए, प्रॉपर सैनिटाइज नहीं किया जाए तो ये बैक्टीरिया इन खिलौनों के थ्रू भी छोटे बच्चों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं. पेंसिल्स,
कई बार ये देखा गया कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पेंसिल को मुंह में दबाए रखते हैं। अब उसी पेंसिल को जब दूसरे विद्यार्थी काम में लेंगे तो इस पेंसिल के द्वारा भी इसका संक्रमण हो सकता है, बाई हैंकी, रुमाल के द्वारा, क्योंकि जब छींक आती है तो रुमाल से जनरली नाक को ढक लेते हैं, और रुमाली के द्वारा भी इसका बहुत जबरदस्त संक्रमण की संभावना है। इसके अलावा क्लॉथ है, पहने के जो कपड़े हैं, मान लो किसी व्यक्ति के घुटनों में जैसे घाव हो रहा है, उसने जींस की पैंट पहन रखी है, तो इस जींस के कपड़े में डेनिम के अंदर भी ये बैक्टीरिया है वो सस्पेंड हो जाते हैं। और जब इसी जींस को मान लीजिए दूसरा व्यक्ति या दूसरा उनका परिवार का सदस्य बिना धोए बिना स्टरलाइज किए इसको पहनता है, उस केस में ये बैक्टीरिया उसी व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं स्नीजिंग के द्वारा, छींकने से, क्योंकि छींक है ये एक तरह का फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, और एक बार छींकने से लाखों की संख्या में बैक्टीरिया छींक के साथ बाहर निकलते हैं। इनहेलेशन, सांस रोज लेने के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा भी इसका संक्रमण है वो संभव है। इसके पश्चात डायग्नोसिस, यानी निदान कैसे करें। टेक सैंपल फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया एंड प्रिपेयर ए थिन फिलम। तो शरीर के जिस भाग में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वहां से सैंपल की थोड़ी सी कोशिकाएं लेते हैं और स्लाइड के ऊपर एक पतली फिल्म बनाते हैं। बाय स्टेनिंग क्लब शेप स्ट्रक्चर अपीयर्स। अब स्लाइड को जब अभिरंजित करते हैं और अभिरंजित करने बाद में सूक्ष्मदर्शी में यदि स्लाइड को देखते हैं तो उसमें मुग्धर के समान रचनाएं है वो इसके अंदर दिखाई देती है। कल्चर ऑन अगार मीडियम, अगार माध्यम में भी इसको संवर्धित करके इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब इसमें बचाव के कुछ तरीके हैं, प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकती है। पेशेंट मस्ट बी आइसोलेटेड। जिस व्यक्ति के डिफ्थीरिया हो गया उसको घर के एक अलग कमरे में ही आइसोलेट करके रहना चाहिए। वैक्सीनेशन इन स्मॉल चाइल्ड्स, छोटे बच्चे जो होते हैं इसके अंदर टीकाकरण किया जाना चाहिए। प्रिवेंट द फूड स्पॉइलेज, भोजन है वो सड़े नहीं, भोजन खराब नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट अटेंसिल्स स्टरलाइज और सैनिटाइज, रोगी के जो कामे वाले जो बर्तन हैं उनको स्टरलाइज किया जाना चाहिए या उनको सैनिटाइज किया जाना चाहिए। पेशेंट्स में भी यूज एलम बेस्ड टॉक्सॉइड्स, और व्यक्ति जो होता है वो फिटकड़ी मिश्रित इस तरह कोई टॉक्साइड्स को काम में ले सकते हैं। इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, उपचार क्या है। एंटीटॉक्सिन्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पेशेंट। अभी डिप्थीरिया के जो बैक्टीरिया है शरीर में प्रवेश करने के बाद में विषाक्त टॉक्सिन्स का उत्पादन करता है, और टॉक्सिन्स को उदासीन करने वाले जो मॉलिक्यूल है वो एंटीटॉक्सिन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मान लो जिस व्यक्ति में डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है और उस व्यक्ति को यदि एंटीटॉक्सिन्स के इंजेक्शन दिए जाए तो इस बीमारी से बहुत ही शीघ्रता से निजात है वो पाई जा सकती है। पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट सम स्ट्रेन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक दवा है ये कुछ प्रभेदों में प्रभावी है। इरिथ्रोमाइसिन इज एन इफेक्टिव ड्रग। इरिथ्रोमाइसिन है ये भी एक प्रभावी औषधि के रूप में सामने आ रही है। वैक्सीनेशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, और टीकाकरण जो है वो जहाँ तक हो छोटे बच्चों का टीकाकरण है वो कर देना चाहिए ताकि उन बच्चों में डिप्थीरिया रोग के होने की संभावनाएं हैं वो नगण्य हो जाए। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान जो कि डिप्थीरिया पर फोकस था, और अंत में हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।